हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आज इस क्लास में हम नेशनल इनकम का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले पार्ट वन पार्ट टू आप जरूर देख लें। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में। एक तो हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस, क्या पढ़ना है, और एक हम समझेंगे फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी, ठीक है। तो नेशनल इनकम का आपका ये पार्ट थर्ड है, वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही आप नोट डाउन करोगे चीज़ों को। इसको भी समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, क्या है वो चीज़। देखिए, हम जो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम को आगे समझेंगे, उसके बहुत फंडामेंटल चीज़ मैं समझाता हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि मूवमेंट कैसे होता है पैसे का और ये फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम कहाँ से आ रहा है। देखो, होता क्या है कि भाई अपने पास, मैंने बोला यहाँ पे मैंने लिखा हाउस होल्ड्स, क्या लिखा, हाउस होल्ड्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोड्यूसर्स। समझने के बाद आप भी नोट डाउन जरूर करेंगे। प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए होता है, वो चार चीज़ें होते हैं और उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कहाँ से अवेलेबल होता है? लैंड हाउस होल्ड मिलता है प्रोड्यूसर्स को, मतलब कोई तो प्रोवाइड ही करेगा ना, और प्रोवाइडर कौन है? हाउस होल्ड से। लैंड मिलेगा, लेबर मिलेगा हाउस होल्ड से, और क्या मिल सकता है? पूंजी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। और कौन आ सकता है यहाँ से? एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं या बिजनेसमैन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्रोड्यूसर जो है, अगर मैं गया प्रोडक्शन करने, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो कहाँ से आएगा स्टार्टिंग में? कोई तो कोई प्रोवाइड करेगा ना, तो मेरे घर में मेरा कोई ज़मीन उमीन पुराना रहा होगा या मैंने खरीदा होगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये हाउस होल्ड से ही निकल के आता है। क्या क्या? लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योर भी। तो ये चारों चीज़ एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है तो वो क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है। क्या बोल सकते हैं? इन चारों चीज़ का यूज करके वो क्या कर सकता है? यूज करके प्रोडक्शन कर सकता है। अगर वो प्रोडक्शन जब करेगा, तो भाई प्रोडक्शन से उसको तो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और एक बात देखो, प्रोड्यूसर को ये बाहर से अवेलेबल हुआ, कहीं ना कहीं लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योर भी। तो प्रोड्यूसर को ऐसा लगता नहीं कि पेमेंट कुछ करना चाहिए। तो प्रोड्यूसर्स क्या करता है, इन सर्विसेज को यूज़ करता है, वो प्रोडक्शन तो करता ही करता है, फिर पेमेंट करेगा। वो क्या करेगा भाई? पेमेंट करेगा। पेमेंट किस किस चीज़ का वो कर सकता है? लैंड पे क्या पे कर सकता है वो? रेंट, रेंट पे करेगा, ठीक है। लेबर को क्या पे करेगा? जो आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो सैलरीज और वेजेस के रूप में, सैलरीज और वेजेस के फॉर्म में वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेमेंट करता है, किसको? लेबर को। कैपिटल पे वो क्या पे कर सकता है? इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल पे करेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? वो प्रॉफिट्स देगा। क्या देगा? प्रॉफिट्स देगा। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया, जिसको कि क्या बोला गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला गया। और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वो प्रोडक्शन करता है, और अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे वो अलग अलग तरह का पेमेंट करता है, जो कि बोला गया लैंड पे उसने रेंट का पेमेंट किया, लेबर को उसने कॉम्पनसेशन हर्जाना भरा सैलरीज और वेजेस के रूप में, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया, और एंटरप्रेन्योर को वो प्रॉफिट दिया। तो इस प्रोड्यूसर के लिए ये फैक्टर सर्विसेज पे अवेल करने के बदले में क्या वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं कर रहा है? बिल्कुल पे कर रहा है। और ये फैक्टर कॉस्ट जा किसके पास रहा है? जा रहा है हाउस होल्ड्स के पास,
क्योंकि हाउस होल्ड के पास ही सर्विसेज आया था, उसी सर्विसेज पे पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट जाएगा किसके पास, इनके पास। तो इनको बोल सकते हैं कि इनके लिए क्या हो गया, वो चीज़ फैक्टर इनकम हो गया। हमें इस चीज़ को और कमिंग क्लासेस में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, बट एक बेसिक फंडा समझो कि मूवमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, जो हम पढ़ लेते हैं रेंट है, कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्रॉफिट से कहाँ से आ गया, कैसे जनरेट हुआ, किसने पे किया, किसको पे किया, किसने रिसीव किया, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस मूवमेंट को, इस एक फ्लो चार्ट को आप समझेंगे, इसने पे किया तो इसके लिए फैक्टर कॉस्ट हो गया, इसने बाय रिसीव किया इन्होंने तो इसके लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया, सिंपल सा बात है। तो इसके आगे हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। तो पार्ट थर्ड हुआ, तो पार्ट थर्ड में ब्रैकेट में मेंशन कर दूँ। चलो अब समझते हैं, जब एक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर लेगा है ना, तो वो सामान उस प्रोडक्ट को कहाँ सेल करेगा, मार्केट में सेल करेगा। तो देखो एक चीज़ को मैंने बोला, एक जगह लिखा यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ मैंने लिखा मार्केट प्राइस। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, जब पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, हड़बड़ाएंगे क्यों। देखो अगर हम मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, मैंने सामान मन बना लिया होगा, आज जब मैं मार्केट में सेल करने जाऊँगा तो उसका एक बेसिक सा प्राइस तय कर दूंगा कि हाँ मुझे भाई इतने रुपये चाहिए, उसमें अपना बेसिक प्रॉफिट वॉफिट जो भी जोड़ना होगा, सब खर्चा वर्चा प्रॉफिट जोड़ने के बाद मैंने प्राइस तय कर दिया होगा। तो जस्ट सपोज कि एक शर्ट है, शर्ट का प्रोडक्शन है, शर्ट बनाते हैं रेडीमेड, तो मैंने प्राइस तय किया कि मुझे 500 रुपया एक कस्टमर से चाहिए, तो 500 रुपया मुझे कस्टमर से चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए, मुझे मतलब प्रोड्यूसर, मतलब जो अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर, आप बोल सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर, है कि नहीं, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर तो बोलेगा भाई मार्केट में रिटेलर के पास जाए, किसी के पास जाए, कंज्यूमर के पास जाए, मुझे उसे क्या मतलब, मुझे तो 500 रुपया चाहिए, इस पर मैंने अपना सारा खर्चा, पर प्रॉफिट जो मिलना था मुझे मिलना चाहिए, उसको मैंने जोड़ लिया, मैंने बता दिया 500 रुपया। जब एक प्रोड्यूसर एक बिजनेस में मार्केट प्रोडक्ट को सेल करने जाता है तो बीच में आ जाती है गवर्नमेंट, क्या जाती है, मतलब कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कस्टमर के बीच में कौन आ गई, गवर्नमेंट। अच्छा बेटा सामान बेचना चाहते हो मार्केट में, बेटे साहब बोलेंगे हाँ बेचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा है भाई साहब हमें कुछ टैक्सेस दे दो, टैक्सेस पे कर दो, तभी हम आपको अलाउ करेंगे बेचने के लिए। तो चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे, दे देते हैं आपको टैक्स। उसने सपोज टैक्स लगा दिए, तो मैं मार्केट प्राइस को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो प्लस टैक्स जुड़ गया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो आ गया ये 550, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। तो टोटल जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है उसके हाथ में जरूर आ रहा है 550 रुपये, बट ये 50 रुपये वो गवर्नमेंट को बाद में जमा कर देता है, तो 50 रुपये उसके हाथ का तो नहीं है, उसका तो बनेगा नहीं, तो उसका एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ, सिर्फ 500 रुपया। इसलिए मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट कौन रिसीव करता है, प्रोड्यूसर रिसीव करता है, नोट डाउन करेंगे देखने के बाद इस चीज़ को। मार्केट प्राइस कौन पे करता है, कस्टमर कंज्यूमर, हम खरीदार जो मार्केट पर सामान को खरीदने जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं 550 रुपया, लेकिन इसमें 50 रुपया ये मैं सोचना है कि वो प्रोड्यूसर रख लेगा, ये 50 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो एक बात समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से जो जुड़ा है यहाँ पे, उसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो क्या है आपके पास, मार्केट प्राइस आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ लिस्ट ले सकते हैं आप, मान सकते हैं जैसे कि वैट ना, एक्साइज ड्यूटी, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके याद कर लेना है ना, और क्या बोल सकते हैं, अब तो GST भी आ गया है, GST आ सकता है आपका है ना, सर्विस टैक्स जो GST में ही आ गया है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, तो ये सब आपके आ जाएंगे
इनडायरेक्ट टैक्स में, टैक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। अब गवर्नमेंट लेकिन कभी कभी बोलती तो है कि हमें टैक्स चाहिए, बट गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर का भी काम करती है ना। वेलफेयर मतलब क्या, गरीब लोग के ऊपर, पुअर लोग के ऊपर दया कर देना कि हम तुम्हें कुछ ऐसा फ़ायदा देंगे जिससे तुम्हें थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, वो किरोसिन ऑयल मार्केट में ख़रीदने जाता है, और जस्ट सपोज़ कि वो 100 रुपीज़ लीटर, कितना है 100 रुपीज़ लीटर, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा एक लीटर लेने के लिए, 100 रुपीज़। पर गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हें 20 रुपये का सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी देंगे, जिसकी वजह से तुम्हें 100 रुपीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें से ये माइनस कर दो 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ। कितना पे करना पड़ेगा? 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आता है? तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सब्सिडी मिलने से एक कंज्यूमर जो पेमेंट करेगा उसमें, उसे उस खर्च में उसे कुछ थोड़ा सा सहायता मिल जाता है, थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फैक्टर कॉस्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स IDT जोड़ते हैं, तो मार्केट प्राइस आता है जो कि कंज्यूमर पे करता है। लेकिन मैंने बोला जब कंज्यूमर को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, अगर ये मान लो टोटल मैंने बोला यहाँ पे 100 मान लो, प्लस टैक्स आ गया सपोज 10 रुपये का, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि 20 रुपये हम तुम्हें माफ़ करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स गवर्नमेंट बोलती है इतना, बट गवर्नमेंट ने बोला कि सब्सिडी है कुछ हम देंगे तुम्हें, तुम उतना रुपया माइनस कर दो तब तुम आना मार्केट प्राइस पे, कि तुम्हें मार्केट प्राइस कितना पे करना है, तो कितना पे करना पड़ेगा, 100 + 10 = 110 - 20, 90 पे करना पड़ेगा। ठीक बात तो है। अगर ये नहीं होता तो फैक्टर प्लस IDT इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ के MP आता था, जो कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर पे करता था गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ लो, उसमें सब्सिडी हटा दो, वही तुम्हारे लिए क्या है, मार्केट प्राइस है, जो कि कंज्यूमर इस केस में 90 रुपीज़ पे करेगा। तो मतलब सब्सिडी मिलने से कस्टमर का थोड़ा सा बर्डन कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सब्सिडी क्या करता है, मार्केट प्राइस को कम करता है। ठीक बात है। तो एक दो बात ध्यान रखना कि फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्सेस को ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो क्या करना होगा, टैक्सेस को हटाना होगा, एक बात हुई। और एक चीज़ होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं IDT माइनस सब्सिडी ही क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे लिखोगे इसको भी लिख लेना, और चीज़ों को, सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी, एक बात और कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्स वगैरह को या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते तब MP पहुँचते हैं, मार्केट प्राइस पहुँचते हैं, लेकिन हमें मार्केट प्राइस से जाना कहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट पे। तो भाई मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होगा ना, उसको हटा दो, या नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो उसको हटा दो, तब कहाँ पहुँच जाओगे आप, फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो बेसिक सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे 20-20 मिनट, 25-25 मिनट लेके क्लासेस को इस तरह से हम ख़त्म करेंगे नेशनल इनकम के, कि आपका एक भी पॉइंट ना बचे और आप अपने एग्ज़ाम में 10 out of 10, नेशनल इनकम का 10 मार्क्स का आने वाला है, वो पूरा स्कोर करके आएंगे आप। इस तरह से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से आपको क्लासेस डिलीवर करूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नेक्स्ट क्लासेस में। तो एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि लोगों को मैक्स टू मैक्स पता चले और फ़ायदा उनको मिले यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।